जी, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आज़ाद कश्मीर में इस क्रॉस एलएसी मूवमेंट के हवाले से कोई ऐसा आप एक शख्स पिन पॉइंट कर सकते हैं या इदारा के जो रिस्पॉन्सिबल हो? देखिए, ये हायरार्की है, ऑर्गेनाइजेशन है पूरी। दिस इज नॉट ए सिंगल मैन गेम, दिस इज एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मुख्तलिफ लेवल्स पे जो है चीज़ें होती हैं, लेकिन क्रॉसिंग पॉइंट पे जो है वो एक डेजिग्नेटिंग अथॉरिटी होती है। फॉर दैट मैटर कोटीगिरी मैं हूँ, फॉर दिस क्रॉसिंग पॉइंट ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोटी आई एम रिस्पॉन्सिबल। ओके, सो लेकिन एंटायरली आप ये एक बंदे को नहीं कह सकते कि वो बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उसी तरह ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुख्तलिफ हायरार्किकल जो है वो स्टेप्स हैं, ठीक है, वो जिस मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो लाइन में, उसमें आप किसी एक को नहीं रिस्पॉन्सिबल ठीक है। अगर कोई आपने तो वाजे तौर पर कहा है कि कोई स्पेशल फेवर्स नहीं है, कोई ऐसा कोई क्विक शॉर्टकट्स नहीं है, लेकिन अगर एक आदमी के पास एक जेन्युइन इमरजेंसी हो, ठीक है, मतलब वो मेडिकली ये प्रूफ हो जाए कि वो उसके बचने के कुछ ही दिन हैं, ऐसे कोई एक्सेप्शंस नहीं है, ऐसा ऐसा कोई एग्जांपल भी नहीं है? डिपेंड्स अपॉन द, वी कैन मेक ए रिक्वेस्ट। हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, हम किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को उसमें ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं जी कि ये बंदा जो है वो इसकी उस रिक्वेस्ट में जी कि इसके लिए प्रॉब्लम्स हैं, तो इफ़ यू कैन पॉसिबली मेक इट अर्ली। लेकिन अभी तक इस तरह का केस हुआ नहीं है। ये तो दिस इज जस्ट एन अजम्पशन के अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन टिल दिस टाइम इस तरह का केस हमारे सामने आया नहीं है। ठीक है। ओके, इंडिया के जो हाई कमीशन है, वहाँ पे जो डेप्टी हाई कमीशन है, उसने मुझे कहा कि उनकी तरफ से उन्होंने सारे इख्तियारात श्रीनगर को दिए हैं, जो मेन उनका ऑफिस है। क्या पाकिस्तान ने भी ऐसे ही किया है कि सारे इख्तियारात यही मुजफ्फराबाद में दिए हैं? हमारे कोऑर्डिनेटर हैं जो मुजफ्फराबाद में हैं, वो कोऑर्डिनेट्स ऑल दीस थिंग्स, यस, सो फॉर दैट मैटर पावर्स रिजाइड विद हिम, ओके, जो हमारे जो सारे ऑर्गेनाइजेशन के वाले से पावर्स हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन आई टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली कि ये दिस इज, वही मैंने आपको कहा कि ये सिंगल मेंस गेम नहीं है। ठीक है, इसमें आपने एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डिफरेंट वो जो लेफ्ट राइट चलती है, और जो आप ब्रांचेस कह सकते हो चलती हैं, उनके सारे कॉम्बिनेशन हो गए तो ये अल्टीमेटली एक वो चीज़ निकलती है। तो आप एक नहीं कह सकते कि जी मैं फॉर दैट मैटर कि मैं एज ए डीए जो है वो आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम पावरफुल, ठीक है, मैं भी डिपेंडेंट हूँ बहुत सी चीज़ों पे, को क्लियरेंस से कोई जो है वो उन अथॉरिटीज़ पे, इन अथॉरिटीज़ पे। सो पावर्स तो ज़ाहिर है हमारे पास हैं, लेकिन वो पावर्स एक बंदे के हाथ में नहीं है। बिल्कुल सही है। आखिरी मैं छोटे छोटे सवाल करूंगा आपसे कि एक आदमी वो गया है, एक मरतबा वापस आया है, ठीक है, जब वो वापस अप्लाई करता है तो वो सारा प्रोसेस रिपीट होता है, ऐसा ही है, और इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं आप? यार दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल आंसर, के जो आप कह रहे हैं वही है कि वंस यू अप्लाई फॉर वी हैव टू गो फॉर वन ट्रिप, आपने 45 दिन लेने हैं एंड देन यू हैव टू कम बैक एंड इफ यू वांट टू गेट गो अगेन यू हैव टू अप्लाई अगेन। लेकिन उसमें एक वन थिंग दैट इज जो कि मेरी आपको इतने कॉमन सेंस पे बेस करती है कि आप अगर एक दफा गए हैं तो देन थिंग्स विल बी इजीियर फॉर यू, श्योर, दे विल मोर क्विकर। ओके, अबाउट योर बजट, ज़ाहिर है ये असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है, यू डील विद मैटर्स, लोकल मैटर्स टू डू विद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये जो आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है क्रॉस एलएसी मूवमेंट, इसके लिए आपको बजट दिया गया है अलग, ठीक है, और उसके लिए आप एक्स्ट्रा स्टाफ एम्प्लॉय करते हैं या वही उसी स्टाफ को यूटिलाइज करते हैं? ये इसमें हमने जो है वो एक तो ये था कि इसमें थिंग्स आर वेरी सेंसिटिव, जी, सो वी डोंट वी कांट एम्प्लॉय प्राइवेट पर्सन इन दिस होल एक्टिविटी। ओके, हमारी कोशिश ये है कि हम सरकारी मुलाजमीन जो पहले से जो काम कर रहे हैं उन्हीं पे हम ज़्यादातर डिपेंड कर रहे हैं। उसमें हमने कुछ प्राइवेट लोग भी रखे हुए हैं अपनी सहूलत के लिए, लेकिन ज़्यादा जो स्टाफ है वो हमारा वही स्टाफ है, उसको हमने रीएम्प्लॉय किया हुआ है। बिकॉज ये दिस इज नॉट ए परमानेंट एक्टिविटी, दिस इज नॉट डेली बेस्ड एक्टिविटी, ये 4 महीने 15 दिन बाद होती है, और उसकी 15 दिन बाद जाए हम एक दिन उसमें स्पेयर कर सकते हैं अपने स्टाफ का भी अपना भी इस काम के लिए। दूसरा ये है कि हमारा बजट जो है वो इतना नहीं है कि हम इसको एक पूरी एक नई ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट कर, तो ठीक है, वो उसी बजट में हम फिर वो उनको पार्ट टाइम एम्प्लॉय कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है।
मुझे पता नहीं कि आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन जो फ़ोन नेटवर्क्स हैं, मिसाल के तौर पर आप यहाँ से वहाँ फ़ोन कर सकते हैं लेकिन वहाँ से यहाँ नहीं कर सकते, इसके बारे में कुछ मालूम या इल्म है आपको? बिल्कुल नहीं है, कैटेगोरिकली नहीं है, रिस्ट्रिक्शन उनकी तरफ से, उनकी अपनी रिजर्वेशन है, उनकी अपनी पॉलिसी है, जाहिर है वो पॉलिसी मेकिंग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो थिंग्स दे कैन डिस्क्लोज एंड थिंग्स दे कांट डिस्क्लोज, उसमें तो वो हैं चीज़ें। अच्छा बिल्कुल ठीक है, आखिरी बात में फिगर्स ऑफ पीपल, फिगर्स ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल, हाउ मेनी पीपल हैव क्रॉस सो फार? आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर बट एवरेज फ्रॉम माय साइड ये कोई आर को मैं 30-50 लोग जाते हैं, राइट, लेकिन क्यूमुलेटिव कोई क्यूमुलेटिव फिगर अंदाजा नंबर विद मी बट आई कैन गिव इट टू यू, राइट, मैं आपसे चेक कर जाऊंगा, बट इट्स मोर देन दोस दैट कम फ्रॉम द अदर साइड, या आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, अच्छा टाइम्स कुछ उधर से ज्यादा आ जाते हैं, कभी यहां से ज्यादा चले जाते हैं। ओके ये जो फिगर्स हैं मिसाल के तौर पर ये तो जिला कोटली हो गया, जो बाकी जिले हैं इसके लिए कोई ऐसी कोई पब्लिक एक्सेस इंफॉर्मेशन है, मतलब कोई वेबसाइट या कोई ऐसी मीडिया जहाँ से फिगर्स का हमें पता हो कि इतने लोगों ने मूव किया है, या कोई ऐसी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो? हम इसी ऑफिस से काम चला रहे हैं, इसी ऑफिस से हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, तो लोग भी कोई इतने क्यूरियस नहीं है, तो दोस्त हुआ इंटरेस्ट दे कम टू अस। ओके the one final question amongst all the previous last questions that I asked you, ke aapne kaha ke jo basic jo policy matters hain wo Delhi aur Islamabad ke paas hain, theek hai, to zahir hai ke logon ke aane jaane mein jo samaan wagaira hai jaise ke phones computers gaadi wagaira ye agar change hoga to wo wahi implement karenge, aisa hi hai? This depends upon our feedback. हम अपना फीडबैक देते रहते हैं डायरेक्टली डायरेक्टली कि ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको इनका इस तरह सोल्यूशन होना चाहिए। जी दूसरी बात यह है कि आई डोंट हैव एनी राइट टू कमेंट अबाउट द पॉलिसी मेकिंग बट दिस इज माई ओन ओपिनियन कि हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है फ्रॉम बोथ साइड ये अभी इस रिसेंट टाइम्स में दिस इज मूविंग टूवर्ड्स फैसिलिटेशन, यस दे आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट द पैसेंजर फ्रॉम बोथ साइड्स। अभी जो रिसेंटली सी बी एम्स के वाले से जो बात हुई थी उसमें ये भी एक था कि इसको वीकली करते हैं, ठीक है, 15 दिन के बजाय इसको हर हफ्ते में एक क्रॉस करनी चाहिए, तो वो भी मेरा है अभी मोस्ट प्रॉब्ली जल्दी इसको इम्प्लीमेंट हो जाएगा। दूसरा ट्रेड रूट्स भी खोल रहे हैं कि नॉट ओनली कि वो लोन की मूवमेंट हो बल्कि वो ट्रेड रूट भी खोल जाए, तो वो भी मेरा है मोस्ट प्रॉब्ली जल्दी खोल जाएगा। तो जो पॉलिसी मेकिंग है ये हमारी हुई है कि that is moving towards more facilitation, okay, so hopefully mera ye cheeze settle ho jayegi. So is it fair to say that over the past 3 years or so things have progressed? Yes. Is that correct? Is that fair to say? Yes I agree with your opinion and this is my own personal opinion that no things are moving towards the betterment and towards more facilitation. Wo jo tha aapka no confidence jo moves hoti thi Pakistani Indian as well as global journalists, so it goes everywhere. Who knows, maybe it may even be covered on some channel, who knows. Yeah, thank you very much and I wish that this passage of moving towards more confidence and more trust based relationship should go and this entire scheme of confidence building must develop more speed. Right. This is my wish. Okay, thanks very much. I really, really appreciate your time and for giving me so much time at such short notice. Thank you. Yeah, I really, really appreciate that. Jazakallah. Thank you.